नए साल के आगाज से पहले उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। इस वक्त अगर मैदानी इलाकों पर भी देखें तो देहरादून में आप देखेंगे कि जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। सुबह से धूप नहीं है और जो कोहरा है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और पूरी तरीके से जो घने बादल हैं वो इस वक्त मैदानी इलाकों में छाए हुए हैं। ख़ास तौर पर दो जो ज़िले हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहाँ पर घने कोहरे ने जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ा दी है। और वहीं ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने 3000 मीटर से अधिक वाले जो ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। और इसके साथ ही बात करें तो रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ये जिले ऐसे हैं जिनके ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। तो मौसम का मिजाज नए साल से ठीक पहले बदला है। जो यहाँ पर सैलानी पहुँच रहे हैं उनको भी ये उम्मीद है कि नए साल पर वो बर्फबारी का लुत्फ ले सकेंगे और उसका भी इंतज़ार है। और इसी ठीक पहले जो है जिस तरीके से मौसम बदला है उसने प्रदेश में कड़ाके की ठंड भी दस्तक दे चुकी है और पहाड़ी जो ऊपरी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कल रात से जो बर्फबारी का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अगले जो 48 घंटे हैं उसमें मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की अच्छी संभावना प्रदेश में जताई है। ऐसे में प्रदेश में जो ठंड है उसमें इजाफा होगा, ठंड बढ़ेगी और जो हिल स्टेशन पहुंच रहे सैलानी हैं उनको भी अपना खासा ख्याल इस ठंड में रखना होगा। साथ ही जो बर्फबारी का इंतज़ार नए साल पर है वो भी माना जा रहा है कि बर्फबारी का लुत्फ यहाँ पर पहुँच रहे सैलानी ले सकते हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।